क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 9.3, पेज 163 ऑफ योर एनसीईआरटी। आपको एक ट्राइंगल एबीसी दिया है जिसमें एक्स वाई लाइन पैरेलल टू बीसी है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एक्स वाई को आगे एक्सटेंड करा, एक्स वाई को इस तरफ भी आगे एक्सटेंड करा, वो मीट करेगा ई पे और यहाँ पे मीट करेगा एफ पे। ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्शंस दी हुई हैं। बी ई पैरेलल टू ए सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्शंस में। उसके बाद आपको ये भी बोल रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ये भी डायरेक्शंस में दिया हुआ है। आपको टू प्रूफ करना है ये वाला ट्राइंगल जो सा इधर बन रहा है ए बी ई और ये वाला ट्राइंगल का एरिया इक्वल है ए सी एफ। आप जरा ध्यान से देखिए, बेस बी सी, ये रहा बेस बी सी, इससे दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं बी सी वाई ई और उसके बाद बी सी एफ एक्स। आपको पता है कि अगर ट्राइंगल पैरेललोग्राम्स का बेस सेम हो तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम्स का बेस देखो इक्वल सेम है तो उनके एरियाज भी इक्वल हो गए। उसके बाद अब आप देखिए बेस ई बी को, ये रहा ई बी, ई बी से एक ट्राइंगल बन रहा है ई बी ए और ई बी से एक पैरेललोग्राम बन रहा है ई बी सी वाई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ दे आर लाई बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। रीजन लिखना जरूरी है। अब ई बी से एक ट्राइंगल बन रहा है ई बी ए और ई बी से एक पैरेललोग्राम बन रहा है ई बी सी वाई। अब मैंने इसलिए लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी ए इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई बी सी वाई। उसके बाद आप सी एफ बेस देखें, सी एफ बेस से एक ट्राइंगल बन रहा है सी एफ ए और ये उसके बाद सी एफ से एक पैरेललोग्राम बन रहा है सी एफ एक्स बी। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सी एफ ए इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी एफ एक्स बी। अब आप तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, इस तीनों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देख नजर आएगा कि ये दो चीजें इक्वल हैं और यानी ये दो चीजें इक्वल हैं ई बी सी वाई सी एफ एक्स बी, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल है, ये वाली साइड हमारे पास इसके इक्वल है यहाँ से, तो ये वाला एरिया इसके इक्वल होगा। तो हमारा प्रूफ भी हो गया। ध्यान से देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल तो ये वाला एरिया इसके इक्वल, हैंस प्रूफ्ड। यही चीज़ प्रूफ करनी थी।